शिवपुरी का जिला चिकित्सालय कल रात 30 से 45 मिनट अंधेरे में रहा। 7 जनरेटर होने के बावजूद भी मरीज परेशान होते रहे। अस्पताल में सुनवाई ना होने के चलते उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा मरीजों और सिविल सर्जन ने। समस्या एक ही था, हम बच्चे सीरियस लेके आए थे और जहाँ लाइट की व्यवस्था कोई नहीं थी, और इसके बाद में 5 घंटे बाद लाइट आई है, दोनों सही गई। तो इसकी शिकायत आपने डॉक्टर साहब से नहीं बोला था? कोई लाइट नहीं, समझने वाला नहीं है ना कोई देखने वाला। आप किसको लेके आए हुए हैं? बच्चे को लेके आए थे सब भैया। भर्ती हो आपका बच्चा? बच्चा अभी लाइट के बाद सीन बुला लिया है इसके। अच्छा, कॉलिंग करी थी सर। नाम नंबर कहाँ रहते हैं आप? कमलागंज। तो कितनी देर में लाइट आई थी? फिर 5 घंटे बाद लाइट नहीं थी और मच्छर बहुत ज़्यादा खा रहे थे, बहुत परेशानी, बोतलें लगी थी पेशेंटों को। कितनी देर से लाइट नहीं थी? आधा घंटा हो गया कम से कम लाइट के लिए। अच्छा, तो लाइट नहीं थी? लाइट नहीं थी बिल्कुल। तो आपने इसकी शिकायत डॉक्टर साहब नहीं की? हम कहाँ से जहाँ मरीज आदमी कहाँ जाकर शिकायत करने? बिल्कुल भी नहीं आई आधे घंटे से बिल्कुल भी नहीं आई। तो यहाँ पर कोई चेक करने भी नहीं आया था क्या? डॉक्टर नर्स वगैरह कोई नहीं आया? नर्स वगैरह अपना काम कर रही बेचारी। दिक्कत सर यही थी, इतने बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे वहाँ कोई इलाज की सुविधा यहाँ नहीं हुई हॉस्पिटल के अंदर। और क्या है कि लाइट को मतलब आने में तो बहुत लेट हुई थी। यहाँ बच्ची को ब्लड चढ़ना है, अभी ब्लड का वो करवाया है, ब्लड चढ़ना था, लाइट ही नहीं आ रही थी। तो इसकी शिकायत आपने की थी? हाँ, 181 पे की शिकायत इसकी। फिर क्या कहना था? कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बस कार्रवाई कर रहे हैं, ये क्या कि पल्ला झाड़ दिया उन्होंने अपना। तो डॉक्टरों से आपने इसकी शिकायत की फिर? हाँ, 181 की सर। और यहाँ के जो भी डॉक्टर बड़े हैं उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है उनसे,